आईफोन 9 प्लस। जी हाँ, आप लोगों ने सब सही सुना। ऐसा लग रहा है कि एप्पल आने वाले समय में अपना एक नया आईफोन 9 प्लस भी ला सकती है, क्योंकि इसका एक हिंट है ना, वो कोड में देखने को मिला है iOS 14 के, जहां पे हिंट मिला है कि एक नया फोन iOS 14 के ऊपर चल सकता है, जो कि हो सकता है आईफोन 9 प्लस। फिलहाल के लिए अभी हमें इन्फॉर्मेशन थी आईफोन 9 की, जो कि आईफोन SE का सक्सेसर होगा, जिसके अंदर 4.7 इंच की स्क्रीन होगी। मतलब सीधी भाषा में मतलब यह है कि आईफोन 8 के डिजाइन में आपको आईफोन 9 देखने को मिलेगा, वो बात खत्म हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें इस नए iPhone 9 Plus के बारे में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि ये iPhone 9 Plus iPhone 8 Plus के डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको Apple की A13 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, डुअल कैमरास देखने को मिलेंगे, बड़ी बैटरी होगी, 5.5 इंच का फुल HD LCD डिस्प्ले होगा, कोई नॉच नहीं होने वाला, और जो टच ID होता है ना, वो देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो कुछ ऐसा होने वाला, यानी कि iPhone 8 Plus के हार्डवेयर में आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और वो नया आईफोन 9 प्लस आपको देखने को मिलेगा। तो देखा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन फिलहाल के लिए बात करें तो इस फोन का जो लॉन्च है वो कम से कम 6 महीने डिले हो चुका है। मतलब मैं आपको सच बात बता रहा हूं, एप्पल के काफी बड़े बड़े लॉन्चेस डिले हो चुके हैं। मतलब कुछ खबरें ऐसी बता रही थी कि मैकबुक सीरीज के अंदर एयर का भी एक नया वर्जन आ सकता है, जिसके अंदर थोड़ा बेजल लेस ट्रेंड करें। मैकबुक प्रो 13 इंच को शायद वो 14 इंच के मॉडल में निकालने वाले थे, काफी सारी अलग अलग चीजें थी, तो काफी सारी चीजें डिले हो गई है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में एप्पल इन सब पे काम करेगी, टाइम टू टाइम जैसी सारी स्थिति ग्लोबली सही हो जाएंगे ना, सारी चीज़ आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या रहता है, लेकिन मैं आपको लोगों को बता सकता हूँ, आईफोन 9 प्लस, अगर आईफोन 9 की कीमत कम हो रही है तो हो सकता है आईफोन 9 प्लस थोड़ा एक सही फ़ोन हो जाए, मतलब कि एक बीच का फ़ोन। वैसे मेरे को लगता नहीं है, मेरे को लगता है कि उन्हें 5 इंच से छोटे स्क्रीन साइज़ को ही स्टिक करना था और उस पर एक फ़ोन निकालना था, और उसके बाद जो नॉर्मल iPhone 11 Pro, Pro Max आते हैं ना, उन्हीं पर जाना था, वो एक सही साबित रहती है। फिर भी देखा है तो यार एप्पल, यार एप्पल के बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कब क्या करती है कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब आज के समय में 2020 में भी वो 16:9 के एस्पेक्ट रेशो पे फ़ोन निकालने का प्लान कर रहे हैं, जबकि देखा है तो मार्केट में आपको 16:9 वाले तो फ़ोन अब देखना बंद ही हो गया एंड्रॉयड साइट के अंदर। लेकिन वो एप्पल है यार, कुछ कह नहीं सकते। मतलब दुनिया में मतलब जितनी भी कंपनीज हैं ना, सारी मतलब अलग सोच है, एप्पल की सोच अलग है, मतलब इवेंट से लेके उनकी फिलॉसफी अलग है। शायद यही एक कारण है कि जो एप्पल है उसे वो एप्पल बनाती है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन चलिए बात करते हैं अपने चाइनीज़ एप्पल के बारे में। जी हाँ, मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi K30 Pro के बारे में, क्योंकि इसकी लॉन्च डेट है वो सामने आ गई, वो है 24 मार्च। और बात करें तो इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ गया है। तो पहले जो कन्फर्म स्पेसिफिकेशन है वो सुना देता हूँ। स्नैपड्रैगन 865 फ्लैगशिप फ़ोन है, यही देखने को मिलेगा। 5G यार, सीधी बात यही आपको यही देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सर्कुलर कैमरा डिज़ाइन मैंने आपको कल दिखाया था। इसी के साथ ही 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें तो उसके अंदर आपको UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा, LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी। और जिन लोगों को लग रहा था ना डिस्प्ले कैसा होगा, तो डिस्प्ले होने वाला है AMOLED, लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। और जो AMOLED डिस्प्ले के अंदर आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा, पॉपअप कैमरा होगा 20 मेगापिक्सल का, मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का, 20 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस, फिर एक अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और इसी के साथ ही जो चार्जिंग होगी ना वो होगी इसमें 10 वोल्ट 3.3 एम्पीयर की। काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, देखते हैं कि एग्जैक्टली कब आता है। और हो सकता है मतलब कुछ खबरें ऐसी भी पता चलेगी, रेडमी के 30 प्रो है ना, उसे क्या कर सकती है, शाओमी पोको F2 बना के ला सकती है। मतलब रेडमी के 30 को उन्होंने पोको X2 बनाया, तो K30 प्रो को पोको F2 क्यों नहीं बना सकती। और इसके बाद एक और खबर ये भी पता चलेगी कि जो पोको F2 हो गई या पोको का जो अगला फोन होगा वो शायद से स्नैपड्रैगन 855 हो सकता है, या फिर हो सकता है कि Redmi K30 Pro से Snapdragon 865 को हटाया, 855 प्लस डाल दिया उन्होंने और 20-22 हज़ार की कीमत मिल जाए। वेल, अगर ऐसा होता तो आप लोगों को कैसा लगेगा? मतलब K30 Pro ही है, लेकिन प्रोसेसर उन्होंने 4G वाले Snapdragon 855 प्लस डाल दिया ताकि कीमत कम कर सके, क्योंकि Snapdragon 865 की कीमत थोड़ी ज़्यादा है। ये कुछ कन्फर्म खबर नहीं है, ऐसा कुछ हिंट मिला था और कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे थे, और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें पता चली थी कि शायद से Snapdragon 855 वाला फोन अगला पोको का हो सकता है, क्योंकि करंटली पोको X2 तो वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। और पोको की हमेशा से फिलॉसफी ये रहती है, एवरीथिंग यू नीड, नथिंग यू डोंट। और लग रहा है कि इसी फिलॉसफी पर अगर वो काम करे तो कह सकते हैं ना कि स्नैपड्रैगन 865 विथ 5G, यू डोंट नीड दिस, वॉट यू नीड इज द 4G स्नैपड्रैगन 855 प्लस।
क्या पता कुछ भी हो जाए। वैसे पोको की बात क्या कहनी है, अगर आप पोको के जो इंडिया के जो हेड है हमारे सी मनमोहन जी, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो ना, आग लगा रखी है उन्होंने ट्विटर पे, मतलब रियलमी के साथ डायरेक्ट हेड टू हेड कंपटीशन करते हैं और डायरेक्टली कंपीट करते हैं रियलमी का, या फिर रियलमी 6 प्रो को डायरेक्टली कंपेरिजन वीडियो बना के ट्विटर पर डाल देते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लग रहा है कि Xiaomi ने पोको को सिर्फ इसलिए अब जिंदा करा है दोबारा से, ताकि रियलमी की नाक में दम कर सके, रियलमी को डिस्ट्रैक्ट कर सके, मतलब कि रियलमी चल रही है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पोको डाल दिया और रेडमी Xiaomi अलग से काम करेगी। देखते हैं आगे चल के क्या रहता है। वैसे पोको देखा तो दो फोन निकाले, पोको F1 और पोको X2, लेकिन दोनों फोन काफ़ी कमाल के निकाले, काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। खैर अगर Xiaomi से निकल के बात करें तो एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि Samsung का Q4 2020 के अंदर आपको देखने को मिलेगा 150 मेगापिक्सल का कैमरा, यानी कि 150 इमेज सेंसर वो डेवलप करने वाले हैं, और जो पहला फोन आपको देखने को मिलेगा 150 मेगापिक्सल इमेज सेंसर के साथ वो होगा Xiaomi की तरफ से, यानी कि Mi Mix Alpha से एंट्री हुई थी 108 मेगापिक्सल की, फिर Mi Note 10 आया, अभी Mi 10 में देखने को मिल रहा है, Samsung के Galaxy S20 से पहले आपको Xiaomi के फोन्स में देखने को मिला ऐसी 150 मेगापिक्सल का जो सेंसर होगा ना, वो आपको Xiaomi के क्या पता Mi Mix Alpha 2 में देखने को मिल जाए, या फिर Mi Note 11, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन 150 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर की एंट्री 2020 में होने वाली कन्फर्म हो रखा है। लेकिन बात इतनी नहीं है, इसके साथ 278 या फिर 276 मेगापिक्सल वाले इमेज सेंसर पे भी कंपनीज काम कर रही हैं, और होपफुली वो भी शायद Xiaomi के फ़ोन में आपको देखने को मिल जाए। और तो और मैं आपको बता सकता हूँ, आने वाले मतलब मिनिमम 2 साल पकड़ लो, आपको 1000 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर है ना फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। मतलब मान के रखो, पिछले साल जब 48 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर रहता है, तब मेरी प्रेडिक्शन करी थी कि 2020 तक आपको 100 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर वाले फोन्स देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिल रहे हैं, गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में है, Xiaomi का Mi 10 आने वाला है, अब ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा 1000 मेगापिक्सल वाले, लेकिन उनमें साल डेढ़ साल का टाइम लगेगा, क्योंकि लग रहा है कि जो पहले एक ज़माने में जो मेगापिक्सल वॉर थी ना, 2 मेगापिक्सल 5, 6, 8, 12, 13 तक जाती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा 16 चली गई थी, और जिसमें नोकिया अपना ले आके 40 मेगापिक्सल से जीत गई थी, अब वो मेगापिक्सल वॉर दोबारा से स्टार्ट हो गई है, 48 मेगापिक्सल ने उसकी स्टार्टिंग कर दी थी, अब देखते हैं कि मेगापिक्सल वॉर ख़त्म कब होती है। यार मेगापिक्सल कंपनीज को और आप सबको समझना चाहिए कि मेगापिक्सल सब कुछ नहीं होती यार, इमेज प्रोसेसिंग, अच्छे ऑप्टिक्स लगाओ, प्रोसेसर का ISP अच्छा करो यार, उससे आप अच्छी इमेज निकालो, और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का यूज़ करो, गूगल एप्पल तो यही करते हैं यार, नहीं यार मेगापिक्सल घुसाने हैं। देखते हैं आगे कहानी क्या बनती है यार। 150 मेगापिक्सल, आप लोग क्या लगता है कि मतलब 150 मेगापिक्सल से अगर कोई सेल्फी ले तो क्या होगा? वेल, ये बात कमेंट में बता देना। इसके साथ ही बात करें तो आप लोग बोलते रहते ना फ्लैश सेल, तो Redmi Note 9 Pro की आज पहली फ्लैश सेल थी, और वो देखा तो सिर्फ 90 सेकेंड्स में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वैसे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी 90 सेकेंड्स में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और खास बात ये रहती है फ्लैश सेल की यार, जब भी कभी कोई कंपनी अपना फ़ोन फ्लैश सेल में निकालती है तो यार हेडलाइन बटर होता है कि इतने Redmi के फ़ोन हमने इतने सेकेंड्स में बेच दिए, इससे मार्केट में हाइप बनते हैं और काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, और इससे एक फिनोमेना बनता है कि Redmi Note 9 Pro इज बेटर देन Realme 6। अब वो डिबेटेबल चीज़ यार, कौन सी चीज़ किधर बेटर है, तो कुछ इसी उसकी अच्छी है, लेकिन इससे एक एज मिलता है और उसका हमेशा Xiaomi फ़ायदा उठाती है। मतलब फ्लैश सेल का मतलब आइडिया दिखा के एक ऐसी हाइप बना देती है जिसके कारण उसके फ़ोन मतलब बिकते ही रहते हैं। अभी के देखा जाए तो उन्होंने भी Amazon पर फ्लैश सेल करी थी, MI.com पर करी थी, अभी Redmi Note 9 Pro की सेल है, वैसे Redmi Note 9 Pro Max की सेल कब होगी देखते हैं, उसका रिकॉर्ड कौन तोड़ता है या उसका रिकॉर्ड कैसा रहता है। लेकिन सीधी बात है यार, फ्लैश सेल है ना सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट करने का तरीका है, और कस्टमर्स परेशान होते हैं। मतलब मैंने काफ़ी देखा है कि लोग सिर्फ हफ्ते भर सिर्फ इसलिए वेट करते हैं क्योंकि उन्हें वो पर्टिकुलर फ़ोन खरीदना, और उसके लिए वो हाइप्ड अप बैठे हैं। सिर्फ हाइप का जो नतीजा होता है ना, उसी कारण फ्लैश सेल हो गई है। मेरे ख्याल से 2020 में फ्लैश सेल होनी नहीं चाहिए, अगर कोई फ़ोन अगर मिलना है तो खुला मिले, जिसके पास पैसा है वो जाके दे और ख़रीद ले यार। मतलब फ्लैश सेल का कंसेप्ट क्या है यार, ऐसी एक्सक्लूसिविटी, मतलब ये चीज़ें मतलब 2020 में सही नहीं है, 2014 में कंसेप्ट नया था, तब थोड़ा एक्साइटिंग लगता था, तब कंपनी भी छोटी थी Xiaomi। 2020 में यार मेरे को मज़ा नहीं आता, मतलब Xiaomi कुछ नया करना चाहिए। खैर इसके बाद बात करते हैं OnePlus की, तो जो OnePlus है ना वो अपना एक नया लोगो लाने वाली है। वैसे कहा जाए तो आज नहीं, उसका लॉन्च जो है वो 18 मार्च को, जहाँ पे वो अपना नया लोगो शोकेस करेंगे, और शायद तभी वो ये डिस्क्लोज कर दे कि नए OnePlus की जो इवेंट होने वाला है उसकी लॉन्च डेट क्या, जहाँ पे वो 8 और 8 Pro लॉन्च करेंगे, और देख सकते हैं कि आपको OnePlus का नया लोगो देखने को मिला है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि OnePlus अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करके आने वाले समय में वो और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि OnePlus देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन में अच्छा कर रहे थे, अब हो सकता है कि वो दूसरी और चीज़ों में ब्रांच आउट करें, मतलब ऑलरेडी टीवी में आ गए, और भी चीज़ें देखनी कि आखिर OnePlus के फ्यूचर
फ्यूचर प्लान्स क्या, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि वन प्लस जिस तरीके से एक लेवल पे ग्रो कर गई ना, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब 2014 में कंपनी ही स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 2020 तक काफ़ी अच्छे लेवल पर हो गई। मतलब इंडिया में भी बात करो तो भी वो अच्छे लेवल पर है, इवन ग्लोबली बात करो तो वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पर है। देखते हैं कि आखिर उनके फ्यूचर रिपोर्ट्स क्या है। वैसे आपको ये जो नया लोगो है वन प्लस का, ये आपको कैसा लगा, मतलब आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और फाइनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि कल माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स को जो उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह होते हैं ना उसे डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन प्राइसिंग उन्होंने नहीं बताया। वेल, प्राइसिंग की बात मैं पहले कर लेता हूँ। शायद प्राइसिंग इसलिए नहीं बताया क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक्सबॉक्स ने अपना प्राइस पहले बताया था, उसके बाद जब सोनी ने अपने प्लेस्टेशन 4 का प्राइस बताया ना तो उन्होंने कम कर दिया प्राइस अपने प्लेस्टेशन 4 का एक्सबॉक्स से, और इसलिए एक्सबॉक्स से ज़्यादा प्लेस्टेशन में गया, प्लेस्टेशन मार्केट में हिट हो गया। इस बार एक्सबॉक्स की उन्होंने सिर्फ ताकत शोकेस करी, क्योंकि इस बार माइक्रोसॉफ्ट का पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार का जो मोस्ट पावरफुल जो गेमिंग कंसोल है ना वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स सीरीज एक्स है, और उसके अंदर जो परफॉर्मेंस मिल रही है ना वो प्लेस्टेशन 5 उसके बराबर ही नहीं कर सकता। सिर्फ एक चीज में जो बराबरी कर सकता है वो है प्राइसिंग में, और वो वेट कर रही है शायद सोनी पहले निकालो, सोनी से सस्ता मगर इसे निकाल दे तो क्या कहने। वैसे बात करें तो उसके अंदर आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज़ का AMD Zen 2 CPU देखने को मिलता है, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको 16GB की GDDR6 RAM देखने को मिलती है, जिसके अंदर से 10GB जो RAM है ना वो यूज की जा सकती है गेमिंग और गेमिंग के ग्राफिक्स के लिए, और 2.5GB है ना वो सिस्टम के लिए, और बाकी की जो बची है ना वो दूसरे स्टफ्स के लिए। इसके साथ ही 1TB की NVMe SSD को सपोर्ट करता है जो कि कस्टम डिजाइंड है, और जो कि GBPS में जो स्पीड होती है रीड और राइट की वो सपोर्ट करता है। यहां तक कि इसके अंदर आपको एक वो भी देखने को मिलता है, एक एक्सपेंशन स्लॉट है जहां पे एक SSD एंटर कर सकते हैं जैसे कोई मेमोरी कार्ड एंटर किया। तो कुल मिला के बात ये कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेमिंग कंसोल है, रियल टाइम रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है, HDR गेमिंग को सपोर्ट करता है, और तुम्हारी 4K गेमिंग 60fps पे सपोर्ट करता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का क्लेम ये है कि आज के समय में मौजूद जो जितने भी दूसरे प्रोफेशनल गेमिंग कंप्यूटर्स हैं, आपके गेमिंग ग्राफिक कार्ड से जो PC है उससे ज़्यादा पावरफुल है, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से गेम चला सकता हो कंसिस्टेंट 4K में 60fps का। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि 4K पे आपको 120fps का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा आने वाले गेम्स में। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है, और देख के लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन है। मतलब अगर मैं इसे PC से कंपेयर करूँ ना तो सिमिलर स्पेसिफिकेशन का अगर किसी को PC डेवलप करना है ना, 1.5-2.5 लाख रुपए तो उसका लग ही जाएगा आराम से, मतलब इस लेवल की स्पेसिफिकेशन अचीव करने के लिए। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये रही, जो गेम्स होंगे ना वो इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, इसलिए कई बार क्या रहता है ग्लिच आ जाते हैं, उतना अच्छा फ्रेम रेट नहीं निकाल पाते। कंसोल्स के साथ ये दिक्कत नहीं होती, कंसोल्स में एक स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि डेवलपर को पता रहता है किस हार्डवेयर के लिए उसे क्या चीज ऑप्टिमाइज करनी है। और यहां पे देख के लगता है काफी ज्यादा पावरफुल चीज बनाई है उन्होंने, यहां तक कि 12 टेराफ्लॉप्स को सपोर्ट करता है इसके अंदर का GPU। अगर टेराफ्लॉप्स नहीं पता तो ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा ना उतनी ज्यादा ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस होगी, सीधी बात यह है। लेकिन रॉ परफॉर्मेंस के मामले में अगर किसी को अगर कंप्यूटर बनाने तो बना सकता है, लेकिन गेमिंग के एक्सपीरियंस सिमिलर लेवल पे दे पाना अभी के समय पॉसिबल नहीं है। देखते हैं आगे चल के क्या रहती है कहानी। बस ये देख के लग रहा है कि प्ले सोनी की तरफ से क्या आता है, क्योंकि सोनी अभी तक सिर्फ शांत, और सोनी ने अपना से प्ले स्टेशन 5 का लोगो शोकेस किया है। आगे देखते हैं कि सोनी की तरफ से प्ले स्टेशन 5 क्या रहता है। बस इनकी अपनी प्राइसिंग अगर सही हो जाए देखते हैं आगे चल के क्या रहता है। वैसे बात करें तो दोनों जो गेमिंग कंसोल है ना इस साल के एंड पे लॉन्च हो जाएंगे, मतलब मार्केट में मिलना चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इनकी प्राइसिंग यार, अगर सब कुछ सही रहा तो इनमें से शायद किसी की अनबॉक्सिंग हम इस चैनल पे करें। देखते हैं आगे चल के कहानी क्या बनती है। चलिए बात करते हैं अब आप लोगों के कुछ कमेंट्स वगैरह के बारे में। तो प्रकाश भाई ने सवाल पूछा है कि 15,000 से 10,000 में रियलमी का फोन ब्लैंक है, 10,000 में रेडमी का, सो इन कमिंग डेज देर एनी चांस टू लॉन्च अ फोन इन द सेगमेंट रेडमी एंड रियलमी? बिल्कुल, रियलमी का आने वाला है रियलमी 6 है, लगभग 10,000 रुपये कीमत होगी। वही रेडमी की बात करो तो रेडमी नोट 9S का लीक हमने सुना था कल, और रेडमी नोट 9 का भी सुन रहे हैं, तो वो भी दोनों ही फोन 10-12,000 की कीमत में होंगे। दोनों ही फोन आपस में बढ़िया तरीके से कम्पीट करने वाले, दोनों ही फोन के अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिला, कोई होल पंच नहीं होने वाला है, और दोनों ही फोन की जो कीमत है ना वो लगभग 10-12,000 रुपए के आसपास होगी। देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फोन कौन सा होता है, अगले महीने लॉन्च हो रहा है, सब कुछ सही रहा तो दोनों फोन अगले महीने मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो बेस्ट फोन अंडर 10,000 के खिताब देखते हैं कौन ले जाता है, रियलमी 6 या रेडमी नोट 9, आप लोगों क्या लगता है? और इसके बाद जो अगला सवाल पूछा है ना वो पूछा क्रेजी चैनल ने, वो पूछ रहे कि व्हाई नो अनबॉक्सिंग वीडियो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स इज अवेलेबल ऑन YouTube।
पता नहीं यार, Redmi Note 9 Pro Max या ना देखा तो अभी के समय में किसी भी यूट्यूबर को अभी तक दिया नहीं है, क्या पता दे दिया हो तो उसके पास एम्बार्गो में होगा। और देखते हैं कि आगे चल के कहानी क्या बनती है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब Xiaomi की कुछ अजीब सी प्लानिंग है कि Redmi Note 9 को लेके कि सबको पहले प्रो दे दिया, प्रो मैक्स के ऊपर इतना ज़्यादा सीक्रेटिव रहा है, अब प्रो मैक्स का शायद अनबॉक्सिंग आपको शायद फ्यूचर में देखने को मिल जाए। मेरे को लगता है कि जब इसकी सेल वगैरह होने वाली होगी ना उसे जस्ट पहले इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करवा देंगे ताकि मार्केट में फिर से हाइप बन जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि जब कोई फोन सेल में आने वाला होता है अगर उसकी हाइप अगर सबसे ज्यादा टॉप पर हो तो वो सबसे ज्यादा बिक जाता है, और हो सकता है कि जब सेल होना तो उससे एक दिन या दो दिन पहले ये फोन आ जाएगा, यूट्यूब पे आपको बाढ़ मिल जाएगी अनबॉक्सिंग वीडियो, रिव्यूज, कंपैरिजन, चार्जिंग टेस्ट सबकी, और उसके बाद आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो कि नोट 9 प्रो मैक्स लेना है कि नहीं लेना, बस उसकी सेल का वेट कर लो, बस यही कहानी है। वैसे नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि पहली बार Xiaomi ने 33 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दे रही है, वो भी Redmi Note 9 Pro Max के साथ। देखते हैं कि वो जो चार्जर है ना वो कंपैरेटिवली कैसा, मतलब उस चार्जर का मतलब मेरे को चार्जिंग टेस्ट देखना है कि 33 वॉट का चार्जर लिया नोट 9 प्रो मैक्स का, फिर 30 वॉट का हमने ले लिया ये वूक वाला रियलमी का, और उसके बाद 27 वॉट का इंट्रोड्यूस कर दिया पोको का, देखना है कि इनमें से फास्टेस्ट कौन है, क्योंकि हर कोई कहता है कि वो फास्टेस्ट है पर सच्चाई क्या है कुछ ही समय पता चल जाएगी। तो दोस्तों आज के शो में बस इतना ही, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, काफ़ी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो यहाँ पे लाल रंग का बटन हो गया था नीचे तो उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।